नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके पी लाइव। धार जिले के राव खलघाट फोरलेन के गणपति घाट में लगातार हो रहे हादसे के बाद नए विकल्प मार्ग का श्री गणेश का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, इंदौर से सांसद शंकर लालवानी के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर धार विधायक नीना विक्रम वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी भी मौजूद रहे। मंत्री सावित्री ठाकुर, सांसद सहित भाजपा नेता गणेश मंदिर पहुंचे, जहां पर गणेश जी महाराज का पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात वैकल्पिक मार्ग का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। साथ ही वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बता दें कि गणपति घाट का करीब 3 किलोमीटर का हिस्सा डेंजर जोन था, जहां लगातार हादसे होते रहते थे। इस घाट पर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि गणपति घाट पर 350 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 15 से अधिक लोग जिंदा जलकर मर चुके हैं। वैकल्पिक मार्ग को तैयार किया गया है। इस वैकल्पिक मार्ग को बनाने की लागत लगभग 106 करोड़ रुपए आई है। सांसद सावित्री ठाकुर, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, उन्होंने इंदौर से सांसद शंकर लालवानी, धार विधायक नीना वर्मा ने इस नए वैकल्पिक मार्ग का श्री गणेश किया। इंदौर से धामनोद की ओर जाने वाले वाहन इसी मार्ग से निकलेंगे। उम्मीद है कि इस वैकल्पिक मार्ग से हादसों पर लगाम लगेगी। आज से गणपति घाट से इंदौर की ओर आ रहे वाहनों को निकलने वाले वाहन चालकों का अंतिम दिन होगा। हालांकि धामनोद से इंदौर की ओर जाने वाले वाहनों के लिए गणपति घाट मौजूद सड़क से ही वाहन निकलेंगे। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 52 दो भागों में बटा है। धामनोद से इंदौर की ओर जाने वाले वाहन मौजूद सड़क से निकलेंगे। इस सड़क पर बनी 3 लेन से भारी वाहनों का आगमन होगा, जबकि 1 लेन से कार और बाइक की आवाजाही होगी। वहीं इंदौर से धामनोद की ओर जाने वाले वाहनों को 9 किलोमीटर की नई सड़क से निकलना पड़ेगा। देखें खबर एसके पी लाइव न्यूज। ऊंची गाड़ी नहीं जाएगी ना, स्पेशल से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब एक बार यहाँ बारात की बारात पूरी समाप्त हो गई थी। उस समय मेरे को सभी क्षेत्र के लोगों ने और वहाँ के लोगों ने एक संज्ञान में मामला लाया। मैंने 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो मैंने लोकसभा में उठाया, नितिन गडकरी जी से मिले। उसी समय प्रधानमंत्री जी नितिन गडकरी जी ने निर्णय किया कि इस रोड को बनाना चाहिए और ये देश का सबसे खतरनाक घाट था। इसको उन्होंने संज्ञान में लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली इसका भूमि पूजन भी किया है। अब वो माननीय प्रधानमंत्री जी और नितिन गडकरी जी इसका लोकार्पण भी किया। आज हमने श्री गणेश जी घाट का श्री गणेश किया है शुभारंभ, ताकि ये समय से पहले मैं NHAI के उनके सभी कर्मचारियों को बधाई दूंगी कि उन्होंने समय से पहले इस रोड को बना दिया और आज हमको ये सबको सुप्रा सौगात मिल गई है। तो इस रोड में जितनी घटनाएं घटी है ये पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए समय से पहले हम चालू कर रहे हैं इस रोड को, क्योंकि पहले बना दिया है। तो अब जो भी होगा लोकार्पण होगा वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। माननीय बॉम्बे आगरा रोड नया बना था, तब हमने देखा कि इस रोड पर जो घाट समाप्त करके जो ढाल बनाया गया था, जो ग्रेडियंट था, वो ज़्यादा था, और उसके कारण लगातार इन 15 सालों में 3,600 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए और लगभग मुझे लगता है 350 मौतें भी हुई हैं, 1,000 लोग घायल हुए, करोड़ों का नुकसान हुआ। और इस बात को लेके पिछले कार्यकाल में लोकसभा में इस विषय को मैंने 2 बार उठाया था और माननीय जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, रेल मंत्री, उनके सामने भी ये बात रखी थी कि ये बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है और इसमें शीघ्र सुधार करना चाहिए। इसमें कुछ सुधार किए गए थे समय समय पर, कभी स्पीड ब्रेकर के माध्यम से, कभी पेवर ब्लॉक लगाने के माध्यम से, कभी ड्रम रखने के माध्यम से, लेकिन हमने देखा कि दुर्घटनाएँ होती रही। तो यही था कि नया एक वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए। और अभी जो आज हम श्री गणेश जी से ये प्रार्थना करने आए हैं
कि जो गणेश घाट है वो नया आज से शुभारंभ हो रहा है और 106 करोड़ की लागत से ये नया 8.8 किलोमीटर का नया मार्ग है। इसमें कोई दुर्घटना नहीं हो, लोग सफर आराम से करें, ये कामना करके गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सांसद महोदय, जैसे जो पुराना घाट है जो अभी धामनोद से इंदौर की तरफ जाते हैं, दो दो लेन दोनों तरफ की है, अब कुल 4 लेनें हो गई है, इसमें धामनोद से इंदौर की तरफ जाने के लिए छोटे वाहन और कारों सवारी गाड़ियों के लिए क्या कोई व्यवस्था की जाएगी? देखिए, ये एक अगला प्रपोजल है और इसमें निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा, क्योंकि आज इसका शुभारंभ है, इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं धामनोद के लिए, हम बिल्कुल करेंगे।